कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हिंद मजदूर किसान समिति की एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन इस देश का कोई भी उद्योगपति एक भी किसान की जमीन छीन लेगा तो संजीव बालियान पहला व्यक्ति होगा जो अपने पद से इस्तीफा देकर अपने गांव में वापसी कर लेगा। कहा कि इस देश में किसी की हिम्मत नहीं जो किसान की जमीन छीन ले। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं। उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। फिर किसान के बीच में घोड़े किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। इस खबर पर हमारे संवाददाता मोनू कुमार फोनलाइन पर मौजूद है। मोनू, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है किसान कानूनों कृषि कानूनों को लेकर, एक तरफ किसान जो है डेरा डाले हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और तमाम नेता जो हैं किसानों को बता रहे हैं कि कृषि कानून कितने फ़ायदेमंद हैं। और आज जो हैं इसी सिलसिले में संजीव बालियान ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्या कुछ कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, मैं आपसे अगर बता दूं, आज मुजफ्फरनगर के जीआई राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज हिंद मास किसान मजदूर संगठन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 11 फीट मूर्ति का जल अभिषेक किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी मंत्री प्रोग्राम में पहुंचे और मंच से बोलते हुए कहा कि जब तक जो संजीव बालियान ने मंच से बोलते हुए जो किसान जो कृषि कानून है उसके ऊपर कहा कि जब तक मैं हूँ जो किसानों की जो जमीन है अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड फार्मर अगर कोई जमीन पर जो कब्जा करता है अगर ऐसी बात होती है तो मैं सबसे पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने मंच से बोलते हैं बात कही, किसानों के साथ खड़ा हूँ हर तरह से, एक बार आए तो सही हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन किसान किसी भी तरह बात करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी ने यह कहा कि सरकार झुकने को तैयार है भी। चलिए मोनू, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।